अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ये वीडियो लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे डार्क स्टेन वाली मेहंदी पेस्ट बनाएं। आज हम देखेंगे उस मेहंदी पेस्ट को आफ्टर 24 आवर रखने के बाद उसको कैसे स्टेन करें और उसको कैसे कोन में फील करें। मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए किया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता तो हमको जो चीज़ें चाहिए, जो मेहंदी हमने रखा था वो, और ये क्या चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे, ये है स्टॉकिंग। इसी के सहारे हमको मेहंदी को छान लेना है क्योंकि अगर हम लोग नहीं छानेंगे तो मेहंदी के अंदर लम्स रह जाएगा और इसकी वजह से हम ना ही छोटा काम कर पाएंगे और ना ही छोटा बारीक काम नहीं हो पाता अगर मेहंदी के अंदर लम्स रहते हैं। तो अब लम्स क्लियर करने का तरीका वो आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेहंदी जो है उसने अपना कलर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से ब्राउन था और अंदर से अभी भी ग्रीनिश है। इसका मतलब है कि हेना पेस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको स्टेन करेंगे और उससे पहले हम इसको एक बार स्टर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मेहंदी थोड़ी सी और स्मूथ बन जाएगी। इस वक्त अगर आपको लगे, अगर लगे कि ये पेस्ट थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, मगर अभी मेरी पेस्ट बिल्कुल स्मूथ सी है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करूँगी। अभी हम लोगों को क्या करना है कि स्टॉकिंग जो है उसको ग्लास में लगाना है और जो सारा पेस्ट है उसको उस स्टॉकिंग के अंदर डाल देना है। आप इस स्टेप को करते वक्त कैरेट बैग अगर आपके पास अवेलेबल है तो पहले कैरेट बैग रखिए, उसके अंदर स्टॉकिंग डालिए, उसके बाद उसको ग्लास के साथ चिपका लीजिए ताकि वो मेहंदी पेस्ट को अंदर डालने में आपको परेशानी ना हो। और उसके बाद आप मेहंदी को स्टेन कर लीजिए। कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगी, मगर उससे पहले ये कह दूं कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे मार्केट के कोन को ही थोड़ा सा गीला कर लो, मगर ये स्टेप करो। इससे क्या होगा कि जो भी मेहंदी के अंदर लम्स होते हैं वो बाहर चले जाएंगे। इससे आपको इंटीग्रेट डिज़ाइंस करने में बहुत मदद होगी। अब हमने स्टॉकिंग के अंदर पूरी मेहंदी डाल दिया है। अब हम इस स्टॉकिंग को लेंगे और कोन में या कैरेज बैग में हम डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ा कोन अवेलेबल है तो आप उसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक को कोन बना दिया है क्योंकि मेरे पास इस टाइम कैरेज बैग अवेलेबल नहीं था। तो आप इसको यहाँ पे रखिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको ट्विस्ट कीजिए और अपने थंब के साथ और अपने हाथ के साथ बहुत कस के पकड़िए और स्टॉकिंग का जो छोर है उसको ज़ोर से खींचिए। इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मेहंदी जो है और आपकी स्टॉकिंग जो है वो बहुत इजीली बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आपके मेहंदी में लम्स बिल्कुल भी नहीं है और जो भी था बचा कुचा लम्स वो भी इस स्टेप के ज़रिए वो चला गया। और अगर इस वक्त स्टॉकिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको ज़ोर लगानी पड़ रही है और आपको लग रहा है कि मेहंदी बाहर नहीं आ रही है, देन आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आपका मेहंदी पाउडर चेंज करने की ज़रूरत है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल लाल सा हो रहा है, ऑरेंजी कलर आ गया इसके अंदर। तो ये है निशानी कि हमारा जो मेहंदी पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अभी ये थोड़ा सा मेस्ड अप है और आप इस वक्त चाहे तो एक पुराना कपड़ा अपने पास रखिए जिससे कि आप अपना हाथ साफ़ कर सके। मैं भी लेके बैठी थी और मैंने इसी कोन को पैक कर लिया है
और अच्छी तरीके से टेप कर लिया ताकि ये लीक ना हो। अगर आपके पास कोन बना हुआ नहीं है तो कोन आप बना लीजिए, और अगर आपको नहीं पता कि कोन कैसे बनाते हैं देन मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस में आपको वो वीडियो भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम स्टॉकिंग्स क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना जो आपको मिट्टी सा दिख रहा है, ये है मेहंदी के अंदर पड़ा हुआ लम्स, जो इस टेप ये जो हमने स्टॉकिंग के अंदर मेहंदी डाला और उसको ज़ोर से खींचा बाहर, उसका ये नतीजा है कि वो सारा लम्स निकल गया। और अब ध्यान से अब इसको कट करिए और बड़े कोन से छोटे कोनों को फील कर दीजिए, जैसे कि आप हमेशा देखते हो कि मैंने किया है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होंगे कि मैं कैसे कोन फील करती हूँ और कैसे क्या करती हूँ। तो दिस इज़ द स्टेप विच इज़ वी हैव टू डू, क्योंकि मैं आपके साथ ये स्टेप इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी मेहंदी आर्टिस्ट है वो देखते हैं, सर्च करते हैं कि कैसे मेहंदी पेस्ट बनाएं, तो ये उसका दूसरा स्टेप है। और आप देख सकते हैं कि अब मेहंदी कितनी इजीली कोन से बाहर आ रही है, और अगर आप ओपन टिप कोन बनाएं तो आपके लिए भी बेहतर है और आपके काम के लिए भी बेहतर है। इससे मेहंदी भी अच्छे से बाहर आती है और आपको हर टाइप का काम करने में बहुत इजी होता है। तो आप देख सकते हैं कि लम्स फ्री मेहंदी जो है वो कितनी इजीली बाहर आ रही है। तो जितना भी आप देख रहे हैं ये है सिर्फ इस स्टेप का कारण। तो ये स्टेप कभी भी स्किप मत कीजिए, और होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।